देश के सबसे अधिक बाघ और तेंदुए जिस मध्य प्रदेश की धरती पर छलांग मारते हैं, उसी सूबे के जंगल मेहमान चीतों का मरघट बनता जा रहा है। दूर देश से इन मेहमानों को लाने, बसाने और खुले अभ्यारण्य में उतारने में लगी मेहनत के विम्बोरे पिटते जो थक नहीं रहे थे, अब एकदम मौन बैठ गए हैं। उनके तमाम दावे ढाक के तीन पात कैसे साबित हो रहे हैं, इस पर विभाग अफसर, मंत्री और उनसे भी ऊपर बैठे जिम्मेदार कुछ समझाने बताने की स्थिति में आखिर क्यों नहीं है। आखिर क्यों लगातार चीतों की मौत हो रही है? अब तक 9 चीतों की मौत हो चुकी है। घास के बेड़े, बड़े मैदान, सुरक्षित बाड़ा, भोजन का पुख्ता इंतजाम और चीता प्रोजेक्ट की ब्रांडिंग पर खासा बजट खर्च होने के बाद भी हमारे ये मेहमान जी क्यों नहीं पा रहे हैं? एक और चीते की मौत जैसे शीर्षक के ही 27 मार्च को मौत की पहली सूचना आई तो वन विभाग के अफसरों ने कहा कि एक आध मौत होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बार फिर से कुनो नेशनल पार्क में एक चीते ने दम तोड़ दिया। अब तक चीतों की मौत का आंकड़ा 9 हो चुका है। खुद को बचाने के लिए तर्क जड़ दिए जा रहे हैं। अफ्रीका में तो इनके जीवित रहने की दर बहुत कम है, यहाँ तो फिर भी अच्छा ही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट, पर्यावरणविद और वन्य जीव संरक्षण से जुड़े लोग मेहमान चीतों की मौत पर चिंतित हैं। जनता भी पूछ रही है, आखिर देखते ही देखते 9 चीतों की मौत का रहस्य क्या है और चीते नहीं बचे तो क्या होगा। याद करें, बीते वर्ष 17 सितंबर का वो दिन जब अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। उस दिन कई योजनाएं गिनाई गई, कहा गया कि जीवन सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों के दल को अफ्रीका में प्रशिक्षण दिया गया है। आखिर ये प्रशिक्षण किस तरह का है? 8वें और 9वें चीतों की मौत से स्पष्ट हो चुका है कि कुछ न कुछ चीतों को दिक्कत है। वजनदार रेडियो कॉलर की चूक से पता चलता है कि काम किस बेपरवाही से किया जा रहा है। लगता तो ऐसा है मानो चीतों को भगवान भरोसे ही अभ्यारण्य में छोड़ दिया गया हो। अच्छी बात यह है कि अब भी संभलने का वक्त है। कुनो के जंगल में 14 चीते मौजूद हैं, इनमें से 7 नर और 6 मादा और 1 शावक भी है। संख्या के हिसाब से ये संतोषजनक है, मगर अब हर मौत चीता परियोजना की उल्टी गिनती ही रहेगी। जरूरत चीता कार्यबल को कसौटी पर कसने की है। केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट चीता में शामिल विदेशी विशेषज्ञों ने शुरुआती अनुभव से सीखे गए सबक के आधार पर हाल ही में सरकार को स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है। इसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि युवा चीते अपने नए वातावरण के लिए अधिक अनुकूल होते हैं और बूढ़े चीतों की तुलना में उनकी जीवित रहने की दर अधिक होती है, इसलिए भारत को अगली खेप युवा चीतों को ही भारत लाना चाहिए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि युवा नर चीते अन्य के प्रति आक्रामक दिखते हैं, जिससे जानवरों से आपसी लड़ाई झगड़े का जोखिम कम होता है। बाड़े में छोड़े जाने के बाद युवा चीतों के जीवित रहने की संभावना, प्रजनन क्षमता प्रदान अधिक होती है। साथ ही युवा चीतों को वाहनों और पैदल चलने वाले मनुष्यों के प्रबंधन की आदत भी होती है, इससे उनके स्वास्थ्य संबंधी मामलों की आसानी से निगरानी हो जाती है और पशु चिकित्सक भी आसानी से किसी भी तरह का इलाज दे सकते हैं। ये कुछ चीतों में रेडियो कॉलर के कारण हुए संक्रमण के हाल के मामले को देखते हुए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त ऐसे चीतों के आने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।